जिला परिषद सदस्य खाड़ाघाट बार दुष्यंत ठाकुर की अध्यक्षता में 16 पंचायतों के पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया। दुष्यंत ठाकुर ने स्थानीय विधायक पर आरोप लगाया कि 11 महीनों में बंजार के खाड़ाघाट बार में कोई भी विकास वाले कार्य नहीं हुए हैं। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भुंतर के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में कृषि सूचना प्रौद्योगिकी और जनजातीय विकास मंत्री डॉ. रामलाल मारकंडे ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने सराहनीय उपलब्धियां हासिल करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया। विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए डॉ. मारकंडे ने कहा कि अगर इस स्कूल का कोई विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा की मेरिट लिस्ट में आता है तो वह उसे 1,00,000 रुपए का पुरस्कार देंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सभी शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरने जा रही है। हाल ही में मंत्रिमंडल ने लगभग 2,300 पदों को भरने के लिए मंजूरी प्रदान की। प्रधानाचार्य हेमराज शर्मा ने वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। स्कूल प्रबंधन समिति अध्यक्ष देशराज ने स्कूल की मांगे रखी। वीरवार को गृह रक्षा बल के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर शाराबाई स्थित गृह रक्षा बल की 7वीं वाहिनी के प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए शालिनी अग्निहोत्री ने कहा कि कुल्लू जिला में भी गृह रक्षक पुलिस और आम जनता के लिए काफी मददगार साबित हो रहे हैं। SP ने सराहनीय सेवाएं प्रदान करने वाले 26 गृह रक्षकों को सम्मानित किया। इनके अलावा 23 सितंबर को कुल्लू जिला में बाढ़ के दौरान बचाव कार्यों में योगदान के लिए 5 युवाओं को भी विशेष रूप से पुरस्कृत किया। 16 से 19 दिसंबर तक होने वाली वन विभाग की 21वीं स्टेट चैंपियनशिप कुल्लू में होने जा रही है। इसमें प्रदेश के 11 जिलों की टीमें भाग लेंगी, जिसके चलते 3 से 13 दिसंबर तक वन विभाग के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कोच असीम राणा ने हिमाचल प्लस टीवी से बातचीत करते हुए यह जानकारी दी। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हरिम ने अपना वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में बंजार के विधायक सुरेंद्र शौरी ने शिरकत की। स्कूल के प्रधानाचार्य ने विधायक का आभार व्यक्त किया। राज्य स्तरीय दृष्टिबाधित क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन 8 से 10 दिसंबर को कुल्लू में होने जा रहा है। यह जानकारी हिमाचल दृष्टिहीन खेल संघ के प्रदेशाध्यक्ष तेजराम वर्मा ने पत्रकार वार्ता के दौरान दी। इस अवसर पर अध्यक्ष तेजराम वर्मा ने बताया कि दृष्टिबाधित खिलाड़ी सरकारी नौकरी में भी हैं, लेकिन उन्हें खेल खेलने के लिए स्पोर्ट्स लीव नहीं मिलती है, जिस कारण दृष्टिबाधित खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं कर पाते। 8 दिसंबर को यह प्रतियोगिता शुरू होगी और 10 दिसंबर को इसका समापन पुलिस ग्राउंड वाशिंग में किया जाएगा और प्रदेश भर के दृष्टिबाधित खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। सभी खिलाड़ियों के बीच 4 टीमों का गठन होगा और बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली टीम एवं खिलाड़ियों का चयन नागेश ट्रॉफी के लिए होगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान एक सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन होगा, जिसमें उड़ान आइडल रही मुस्कान के अलावा सारेगामा पा फेम पायल ठाकुर, वॉइस ऑफ कार्निवल खेम राज व पंकज ठाकुर आदि कलाकार भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि अभी तक दृष्टिबाधित क्रिकेट विश्व कप में भारत 6 बार भाग ले चुका है, जिसमें 2 बार भारत विजेता रहा है। सर, ये जो स्पोर्ट्स इवेंट है, ये 8 दिसंबर से 10 दिसंबर तक 3 दिन तक चलने वाला है और इसमें अक्रॉस द स्टेट 65-70 प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा 9 को शाम को एक कल्चरल नाइट का भी आयोजन हम कर रहे हैं, जिसमें जितने भी लोग परफॉर्म करेंगे वो सभी विजुअली चैलेंज्ड हैं और सभी जो हैं संगीत के क्षेत्र में महारत हासिल किए हुए हैं। सर, गेम जो है वो क्रिकेट है और हिमाचल स्पोर्ट्स एसोसिएशन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पिछले 9 साल से प्रदेश के अंदर दृष्टिबाधित खिलाड़ियों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा रही है, जहां से वो अपने खेल प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं और देश व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी प्रतिभा को दिखा सकते हैं। और इसके साथ साथ इन इवेंट्स को करवाने का जो मकसद है वो टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में जो चेंजेस आ रहे हैं उनसे विजुअली इम्पेयर्ड जो पर्सन्स हैं उनको अपग्रेड और एब्रेस्ट करवाना है।
कुल्लू पुलिस ने चोरी के एक मामले में दो चोरों को गिरफ्तार किया है और साथ में चोरी किया हुआ सामान भी बरामद कर दिया है। जिला मुख्यालय कुल्लू के सरबरी की एक दुकान से चोरों ने दो सप्ताह पहले 80,000 रुपए कीमत की सिगरेट चोरी कर दी थी। दुकानदार ने इसकी शिकायत कुल्लू थाने में दर्ज करवाई थी, जिसके चलते पुलिस ने मामले की छानबीन करते हुए दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर दिया है। एसपी शालिनी अग्निहोत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि चोरी के मामले में दो युवकों को गिरफ्तार कर चोरी का सामान बरामद कर लिया गया है। सरवरी में कुछ दिन पहले ये चोरी की घटना का मामला सामने आया था, जिसमें करीब 80,000 रुपए के सिगरेट के पैकेट्स चोरी किए गए थे। इस केस को पुलिस ने क्रैक किया, इसमें दो लोग चंद्रमणि और सुरेंद्र नाम दोनों ही कुल्लू के रहने वाले हैं, उनको गिरफ्तार किया गया। साथ ही जो कुल जो संपत्ति चोरी हुई थी उसको पूरा रिकवर करके इसमें फर्दर प्रोसीडिंग पुलिस आगे कर रही है।